प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 का साइंस का ये चैप्टर नंबर आपका 10 है, वर्क एंड एनर्जी। तो इसका जो पेज नंबर आपका है 116। तो देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन डू वी से दैट द वर्क इज डन। तो वर्क इज डन कब होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये देखिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट आपका है, ये इसका कुछ मास है आपका एम मास है इसमें आपका। तो जब अगर हम इस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, अगर इसमें कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए ये आपका, देखिए आपका क्या है, आपका एक कैप है, इसमें मैं इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ। देखो उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया है ना। देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, देखो मैं फोर्स लगाया इसमें, क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ उसमें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें आपका कोई वर्क डन आपका नहीं होगा। तो आपका वर्क डन होने के लिए आपको फर्स्ट क्या चाहिए, आपको एक तो फोर्स चाहिए, और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस से क्या होना चाहिए आपका, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। जो फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हो उससे आपका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो देखिए आपका कोई ऑब्जेक्ट्स का मास एम है, और जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों कंडीशन पर फुलफिल आपकी होनी चाहिए। तो वर्क डन का प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो इट मीन्स कोई वर्क डन नहीं होगा आपका। ठीक है, आप कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहे हो जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो एक ऐसा फोर्स जिससे क्या हो, ऑब्जेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट हो, तो जब हम क्या बोलेंगे, वर्क हैज बीन डन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 के साइंस के लगातार वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों मस्त रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।